राजस्थान यूनिवर्सिटी में बच्चे बैठे धरने पर, बच्चों का आरोप, एपीटीसी सेंटर ने बच्चों को निकाला बाहर। बच्चों का कहना है कि 1 जून को एक पहल कार्यक्रम उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन में गोविंद सिंह डोड़ासरा, भजन लाल जाटव जी भी मौजूद थे। क्या है ये मामला, आइए जानते हैं। पिछले एक महीने से एपीटीसी में निःशुल्क आईएएस आरएएस सीईटी की क्लास चल रही थी। आज अचानक कल से इनको, बच्चों को सबको बाहर निकाल दिया गया है। इनकी क्लास जो चल रही थी वो बंद हो गई है और आप देख रहे हैं हमारे पीछे सारे बच्चे धरने पे बैठे हुए हैं। हम जानते हैं उससे ऐसी क्या बात हुई जिस कारण आप लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। क्या हुआ ऐसा जो बाहर निकाल दिया लोगों, क्या बात? सर जी ने बोला कि इस पर लॉक लगा दिया गया है एपीटीसी सेंटर पे। हमें फ्री नो सेल कोचिंग योजना दे रहे थे देवभूमि सर, सरकार ने ये योजना लगा रही है। यूनिवर्सिटी वाले प्रोफेसर सर हमें पढ़ने नहीं दे रहे इसमें। क्या नाम है उनका, राज चौहान, क्या नाम? बच्चों का कहना है कि निःशुल्क जो क्लास चल रही थी वो कल से बंद हो गई है, हम लोगों को बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे। क्या हुआ मैम, क्या हुआ ऐसा? सर यहाँ पे निःशुल्क कोचिंग की जा रही है, यहाँ पे एपीसीटी सेंटर है, यहाँ पे बच्चों को कमरे भी नहीं दिए जा रहे। हालांकि यहाँ पे कमरे हैं, फिर भी यहाँ पे कमरों को खोला नहीं जा रहा है। एक महीने से आप लोगों की क्लास चल रही थी, अब अचानक क्या हुआ कि जो बंद कर दिए गए कमरे? सर एक महीने से कोचिंग चल रही है फिलहाल। सर स्टार्ट करें। पिछले एक महीने से यहाँ पे एपीटीसी में क्लास चल रही थी निःशुल्क आईएएस आरएएस की, ऐसे क्या हुआ जिस कारण बच्चों को धरना देना पड़ रहा है और ये बंद कर दिया गया है? सर एपीटीसी जो ये सेंटर है, पहले यहाँ पैसों में क्लास चलती थी, पैसे लेके पेड क्लास चलती थी, आरजीएस की चलती थी। अब जैसे हमारी जो एक पल इंडिया निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था है, सरकार के साथ में एमओयू हुआ था, एमओयू के तहत यहाँ पे आईएएस आरएएस और सीईटी की निःशुल्क कक्षाएं कंटिन्यू चल रही थी। अब भी आज से कॉलेज लेक्चरर और अदर जो कम्पिटेटिव एग्जाम है उनकी भी आज एग्जाम शुरू हुई है, वो कोचिंग व्यवस्था शुरू हुई है निःशुल्क। बट ये जो राम सिंह चौहान जी, इनको पता नहीं जाने क्या समस्या हुई है, कोई पैसों की राजनीति हुई है क्या हुई, उसकी वजह से आज यहाँ जो हॉल है उसमें लॉक लगा दी गई। पानी की व्यवस्था, जो वाटर कूलर है जो उसमें भी लॉक लगा दिया गया है, उसकी वजह से सब हम बच्चे आज बाहर बैठे हैं। सर मेन समस्या ये चल रही है, पानी हम बाहर से लेके आ रहे हैं अभी भी। इस गर्मी में बच्चे पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे लोग बाहर बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि बच्चे बैग भर के ला रहे हैं, खुद अपने लेवल पे पानी का इंतजाम करा रहे हैं इस गर्मी में। इतने निर्दयी हैं ये लोग सर, पानी की व्यवस्था तक नहीं करा सकते हैं सर। 1 तारीख को गवर्नमेंट की तरफ स्वीकृत हो गया था कि एमओयू, राज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना का शुभारंभ किया था यूनिवर्सिटी पार्क में जाके। उस समय ये तय हुआ था कि राजस्थान का प्रत्येक छात्र, जो छात्र छात्र राजस्थान में कहीं भी पढ़ता हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी का हो या ना, वो क्लास लेगा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे। उस विषय पे चर्चा होकर 1 तारीख को यहाँ पे उद्घाटन हुआ, 2 तारीख से क्लासेस संचालित हो गई। 1 तारीख को उन्होंने लिया गया कि एपीटीसी सेंटर में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास का संचालन होगा और 1 जुलाई से पूरे प्रदेश स्तर में क्लासेस का संचालन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे होगा। ऑनलाइन कैसे होगा कि स्मार्ट बोर्ड से लाइव क्लासेस वहाँ के जो व्यवस्था की गई है 12,000 सेंटर्स में, वहाँ पे वो क्लास संचालित करवाएंगे। इसके लिए वॉलंटियर भी सर ने नियुक्त कर दिए हैं और सब जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। आज जहाँ से क्लासेस का संचालन होना था, आज बच्चे शिक्षा से अवरुद्ध हो गए हैं। कई दिनों से हमें परेशान किया जा रहा है एपीटीसी सेंटर के द्वारा, बहुत सारे हम पर आरोप लगाए गए और हम कमरा बंद कर देते हैं। हम पढ़े तो पढ़े कहाँ, यहाँ आप स्थिति देखो, ये सारे निःशुल्क। तो आप लोग क्या राजस्थान यूनिवर्सिटी के हैं या कई अदर स्कूल कॉलेज? सर हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के भी हैं और थोड़े बाहर से भी हैं। मुद्दा ये है इनका कि अब ये कह रहे हैं कि केवल राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये बात समस्या थी तो आपने 1 तारीख को इस बात को क्यों नहीं रखा, जब 1 तारीख को बिरला ऑडिटोरियम में इसका उद्घाटन हो रहा था? 1 महीने के अंदर एकदम से क्या हो गया? और आरएएस की वैकेंसी आने के बाद आप देखेंगे ना, तो 2 दिन के अंदर इस बदलाव में इतना व्यवस्था होगी, एकदम से कमरा बंद कर दिया। हमें 2 दिन की मोहलत भी नहीं दी गई कि कमरे को आप खाली करने की व्यवस्था कर लो। हमारा जो सामान है अटका पड़ा है, ये 2 बच्चे बैठे हुए हैं बैग के लिए, कब से तरह तरह इनके बैग तक नहीं दिए गए सर। हमारे सिस्टम प्रशासन के द्वारा अभी 1 जून से जो क्लासेस चल रही थी, 1 महीने से चल रही थी, तो इनको प्रॉब्लम 1 महीने से क्यों नहीं आई, आज ही प्रॉब्लम क्यों आ रही है? जब हमने आरएएस प्री का जब सिलेबस आ गया, उसका नोटिफिकेशन आ गया, तो आज ही ऐसी क्या समस्या हुई कि हमें जबरदस्ती यहाँ से हाथ पकड़ के निकाला गया? कई लड़कियों के साथ हाथ पकड़ पकड़ के निकाला है, अभी काफ़ी लड़कियों के बैग उसके अंदर पड़े हुए हैं। तो ऐसा क्यों करिए प्रशासन? क्या यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ने का अधिकार है? कि बाहर के बच्चे पढ़ने का लायक नहीं है क्या? पहले बीआर अंबेडकर को बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था, आज हमारी ये सबकी हालत हो रही है। तो ऐसा कारण क्या है, वो कारण हमें क्यों नहीं बता रहे कि हमें बाहर बैठ के पढ़ना पड़ रहा है? समस्या कहाँ रही है इनको? क्या बाहर जो बाहर वाले बच्चे हैं वो क्या वो पढ़ेंगे नहीं? क्या बाहर वाले तो पढ़ेंगे नहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी में आके? उस दिन कहाँ गए थे बीसी साहब, जब यहाँ पे वो चला था 1 जून को, कि बीसी साहब भी वहाँ पे मौजूद थे,
और मंत्री साहब जी कई भी थे, तो उस दिन इन्होंने मना क्यों नहीं किया कि हम यहाँ नहीं चलने देंगे, आज ये लेटर क्यों आ रहा है? तो ये हमें समस्या का सोल्यूशन चाहिए। सहयोग भी मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो मेन दिक्कत आ रही है ये इनके डिपार्टमेंट के डायरेक्टर की वजह से आ रही है। ये हमें बहुत परेशान कर रहे हैं सर, क्लासेस लेने नहीं दे रहे, बच्चों को ऐसा भ्रमित कर रखा है, आरोप भी इतने लगा रखे हैं जिसकी कोई हद नहीं है सर। हम परेशान हो गए। यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ने कुछ कहा कि दूसरी जगह आपको देंगे? नहीं नहीं सर, डायरेक्टर ने ये नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, सीधा ताला लगा दिया। कोई भी व्यवस्था संचालित हो जिसके समय लगता है, बंद होने में भी समय लगता है, दिया जाता है, एकदम से बंद कर दिया। हम धूप में परेशान है, कल भी बंद कर दिया था, हम धूप में परेशान है, करें क्या सर? आरोप लगा रहे हैं कि हम, आरोप क्या लगाया गया? आरोप लगाया गया कि सर जो है इन सब बालकों से फीस ले रहे हैं निःशुल्क कोचिंग के उस पर आधार पर। आप सबसे पूछ लीजिए कि किसी से भी अगर एक रुपया भी लिया गया किसी भी नाम पर, यहाँ तक कि इनका फॉर्म तक भी फ्री है जो भरा जा रहा है, गूगल पे मोबाइलों पे डाला जा रहा है, उसी के जरिए हम सब फॉर्म भर रहे हैं, तो फिर हम पैसा ले कहाँ रहे हैं? आरोप किस बेस पर लगा रहे हैं हम पर? पूछिए बच्चों से। अभी 100 रुपये चार्ज करती है, उसके बाद फीस अलग से करती है। निःशुल्क शिक्षा यहाँ मिल रही है सर, गरीब छात्र हैं, कितने दूर सारे, किसी के पास घर नहीं है, खाने को कपड़ा नहीं है, कुछ पहनने को मकान नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे सर, कुछ भी सुविधा नहीं है। लेकिन सर कैसे कैसे करके यहाँ पे आ रहे हैं सर? जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं पैसे ले रहे हैं कि आप लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं? नहीं सर, किसी भी प्रकार का हमें से एक रुपया भी नहीं लिया गया, जबकि फॉर्म भी हमें फ्री भरा जा रहा है, और हम खुद इस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी है, फिर भी हम बाहर वाले विद्यार्थी की सपोर्ट में है कि उन्हें भी शिक्षा मिलनी चाहिए निःशुल्क। सर एक चीज़ और सर, जब जैसे यहाँ पे जो निःशुल्क शिक्षा वो क्या बोलते हैं, जो इरेगुलर जो बच्चे हैं उनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, एक चीज़ समझ में नहीं आता, यहाँ के 817 कर्मचारी लगभग जो प्राइवेट है, यहाँ की यूनिवर्सिटी में काम करने वाले जो एजेंसी है वो प्राइवेट है, यहाँ की जो कैंटीन है वो प्राइवेट है, यहाँ के जो ये राजनेता जो राजनीति करते हैं उनके साथ बच्चे वो प्राइवेट है, सर उनको क्यों नहीं रोकने दिया जा रहा है? यहाँ की जितनी भी एजेंसीज को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है वो सब प्राइवेट ही है, इतनी धांधली होती है सर, उनमें तो आपको इनसे कुछ होता नहीं है। जब शिक्षा का दौर चल रहा है, चाहे निःशुल्क शिक्षा चल रही है, चाहे कोचिंगों के माध्यम से जो फंड दिया जा रहा है कि जो निःशुल्क कुछ जैसे हज़ारों करोड़ों का फंड जो प्राइवेट कोचिंग है वो लेती है, उनका तो फंड रुक रहा है, उनकी वजह से वो कहीं ना कहीं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो हथकंडे अपना रही है, और ये निःशुल्क जो शिक्षा व्यवस्था चलने रुक रही है। क्या ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं या फीस ली जा रही है, ऐसा कुछ है? ऐसा हमसे बिल्कुल भी एक रुपया भी नहीं लिया जा रहा है, ये सारे आरोप झूठे हैं, सर को फंसाया जा रहा है ताकि निःशुल्क जो कोचिंग है वो कहीं ना कहीं बस दब के रह जाए, जो गरीब बच्चों का सपना है वो दब के रह जाए। ये जो अंदर बैठे हुए हैं एक बार भी बाहर निकल के नहीं आ रहे कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, पूरा गेट लगा दिया है, हमें पानी पीने में प्रॉब्लम हो रही है, और सारे बच्चे हैं ये पर्सनल प्रॉब्लम है कि वॉशरूम नहीं जा पा रहे तब भी यहाँ बैठे हुए हैं बच्चे, ये इतना कर रहे हैं, इन्होंने पूरा अंदर से लॉक लगा दिया, हमें जाने नहीं दे रहे। और एक मुद्दा ये भी उठता है कि जब मेन यूनिवर्सिटी के गेट से आप आए होंगे, यहाँ पे इतने पोस्टर लग रहे हैं, इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनको यहाँ यूनिवर्सिटी में आने की परमिशन है, तो पढ़ने के लिए बच्चों को आने की परमिशन क्यों नहीं है, हम ये पूछना चाहते हैं इनसे। आप देख रहे हैं निःशुल्क जो कोचिंग है उसको कल से बंद कर दी गई है, सारे बच्चों को बाहर बैठा दिया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पीछे दो गेट है, एक ये गेट है और एक पीछे वाला गेट है जिसको बंद कर दिया गया है, और सारे बच्चों को, जैसे ही बच्चे बता रहे हैं कि इनके बैग्स तक अंदर हैं। क्या आपके बैग भी अंदर है? क्या है? हाँ सर, हमारे बैग भी अंदर रह गए, और जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने लड़कों के ऐसे कॉलर पकड़ के निकाला और हमें हाथ पकड़ के ऐसे बोला कि तहसीलदार बन गए तुम लोग तो। और सर हमारे मतलब जिनके घर में मतलब कुछ नहीं है, जो दो दो तीन तीन लाख में कोचिंग होती थी वो यहाँ फ्री में मिल रही है, आज तक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और आज हो रहा, तो इसे भी रोका जा रहा है। सर हमें शिक्षा का राइट टू एजुकेशन जो फंडामेंटल राइट है उसे रोका जा रहा है। हमारे देश में आज इतनी भी सारी मिनिस्ट्रीज बनी है, इतने एनजीओ, जो सबका पर्पज सिर्फ एक ही है, वो है नेशन का डेवलपमेंट। और आज जब हम युवा पीढ़ी नहीं पढ़ेंगे, हम खुद ही पीछे रह जाएंगे, शिक्षा से वंचित रह जाएंगे, तो क्या होगा नेशन का डेवलपमेंट? भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जो बेसिक राइट है उन वो भी हमें प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं, जो प्रोवाइड करवा रहा है उनको भी रोका जा रहा है। हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द मीडिया सही और स्पष्ट न्यूज गवर्नमेंट तक पहुँचाए और हर हमारी इस समस्या का समाधान निकाले, क्योंकि हमारा एजुकेशन का बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, और आपको तो पता ही है कोई भी युवा एजुकेशन और हेल्थ के बिना कुछ नहीं कर सकता, तो हमें जल्द से जल्द हम हमारी समस्या का सॉल्यूशन चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं। IAS, RS, RJS ये इतनी बड़ी पोस्ट है जिनकी मतलब कोचिंग कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, वो हमें फ्री में मिल रही है, तो प्लीज़ हमें वो प्रोवाइड करवाई जाए। आप लोग दो दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, ऐसा क्या रीज़न है जिस कारण दो दिन से धरना पे APTC ने आप लोगों को बाहर निकाल दिया? क्या क्या हुआ आप लोगों के साथ ऐसे? क्या सर, एक
कोचिंग क्लासेज एक महीने पहले स्टार्ट हो चुकी थी, उस टाइम पे किसी ने विरोध नहीं किया इसका। खुद मुख्यमंत्री जी ने इसका जो डीसी के द्वारा इसका वो क्या उद्घाटन किया था और डोटासरा जी आए थे इसके इनोग्रेशन पे ऑडिटोरियम में। लेकिन अब जो है ये यहाँ पे विश्वविद्यालय ने दो दिन से नोटिस दे दिया हमको कि यूनिवर्सिटी बंद कर दो, मतलब एपीटी सेंटर आप बंद कर दो, आप ये नहीं चला सकते, इलीगल है। एक महीने चल रही है वो इलीगल नहीं बताया, अभी अचानक इलीगल इसलिए बता रहे क्योंकि इनको खुद की क्लासेज चलानी है, इनके आरजीएस की जो पेड क्लासेज हैं उनके लिए हमारी निःशुल्क क्लासेज को बंद कर रहे हैं। और आज तो हमको कल ताला लगा दिया, कल हम धरने में बैठे और आज फिर से जो बच्चे क्लास में बैठे थे उनका हाथ पकड़ के बाहर खींच के निकाल रहे उन सबको और उसकी फिर से ताला लगा दिया, तो हमारी बात ही नहीं सुन रहा कोई। और इनके पीछे का सिर्फ एक ही रीज़न ये है कि ये सब अपनी क्लासेज चलाना चाहते क्योंकि सब छात्र हैं, अभी जैसे आरएएस की भर्तियाँ निकली हैं तो जो छात्र हैं वो कोचिंग की तरफ जा रहे थे। केवल 4 लाख से ऊपर छात्र हैं जो कोचिंग की तरफ जा रहे थे, वो सारे वो इसकी तरफ आकर्षित हुए क्योंकि उनको फ्री में वो फैकल्टी मिल रही है जो उनको मतलब प्रोवाइड जो चाहिए थी आरएएस के लिए। अब वो एक तो उनका दबाव पड़ रहा है इन पे, दूसरा इनको खुद की कोचिंग चलानी है वित्त पोषित हुए है, तो उन चक्कर में हमारी कोचिंग बंद करें निःशुल्क, जो इतने बच्चे बैठे हैं इन सबका फ्यूचर एक खतरे में डाल रहे हैं सिर्फ अपने वो कुछ क्लासेस के लिए। सीएम सर की तरफ से भी परमिशन है, यहाँ यूनिवर्सिटी में बीसीओ साहब है उनसे भी अभी कोई वो बात नहीं हुई हमारे, वो सही उनका भी सही है। लेकिन जो एपीटीसी सेंटर के वो है ना डायरेक्टर साहब राम सिंह चौहान जी, वो मना कर रहे हैं, उन्होंने ही ताला लगाया और उन्हीं ने ही वो हम लोगों को बाहर बैठने के लिए मजबूर करा। बच्चों का कहना है कि जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनका दबाव पड़ रहा है यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि उनकी हो सकता है कि उनकी कोचिंग्स बंद हो जाएं, जिस हिसाब से 1-1.5 लाख जो फीस लगती है वो फीस यहाँ नहीं लग रही, निःशुल्क में बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। तो 60 किलोमीटर दूर से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, गांव में 22,000 सेंटर्स खोले गए हैं जो एक बहुत बड़े चीज़ अपने आप में, उन सब पे स्टूडेंट ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, दी गई है सर ने उनके लिए भी व्यवस्था खुद से की है और सरकार से जिनसे सहयोग मिला यूनिवर्सिटी से, इतना सहयोग इन्होंने नहीं लिया फिर भी यूनिवर्सिटी को, केवल सरकार से हमको केवल भवन चाहिए पढ़ने के लिए जो यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस चलेगी उसके लिए, और वहीं से हमारी लाइव क्लासेस चालू होंगी जहाँ ऑफलाइन एपीटीसी सेंटर है वहाँ से, और कुछ हमने नहीं मांगा, स्टडी मटेरियल सारा सब हमारे सर कर रहे हैं, सब अरेंज कर रहे हैं सर, कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ एक भवन चाहिए जो इनका भी इन्होंने वादा किया था पर उसको एक भवन दे रहे हैं उसके लिए भी इन्होंने मना कर दिया, तो ये बच्चे जाएं कहाँ पे, इनके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा प्रोटेस्ट के लिए। सर ये प्रोटेस्ट नहीं है, कदम है, हम विनम्रता के साथ नहीं, हमारा कदम है कि हमको निःशुल्क पढ़ाई के लिए किया जाए। दोसा से और बांदीकुई से तक बच्चे गांव से बच्चे आ रहे हैं यहां पे, मैं खुद दोसा से आ रहा हूं यहां पढ़ने के लिए डेली, हमारी कोचिंग एक महीने से चल रही थी तब तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, अब कल आरएएस की वैकेंसी आ गई उसके बाद यहां ऑब्जेक्शन भी स्टार्ट हो गए, अब ये यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को यहां पढ़ने दे रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते, गांव में किसी भी कॉलेज में ले रखा एडमिशन तो हमको यहाँ पढ़ने नहीं देंगे, मतलब यहाँ यूनिवर्सिटी में कोचिंग का केवल एक ही मिशन है कि राजस्थान में बच्चे कैसे भी हो कोई से भी आईएसआरएस की उन्हें जातिवाद लिंगवाद से कोई मतलब जिनको यहाँ पे अगर ऑफलाइन क्लासेस चलेगी जब जाके पूरे राजस्थान के अंदर ऑनलाइन क्लासेस चलेगी का बच्चा पढ़ पाएगा। से प्रस्तावित था कि सारे बच्चे एक साथ ऑनलाइन क्लास लेंगे, 22,000 सेंटर्स बनाए गए, उनपे प्रॉपर एलईडी सेटअप किया गया जो सर ने खुद किया है, लेकिन फिर भी इन्होंने आज क्लास लगनी थी और आज उन्होंने ताला लगा दिया सब बाहर निकाल दिया, तो आज वो बच्चे क्लास और कोटा में जो क्लासेस लगने वाली थी लाइव चलने वाली थी वो भी हो गई, उनका फोन आ रहा है कि सर बताओ क्या हुआ, तो सर ने ऐसे कहा है कि अगले आदेश तक बच्चों को बोलो कि अभी बताएंगे आगे क्या। सर आप ऐसा करने ही वाले थे, पहले करते ना, इतना सब कुछ व्यवस्था मतलब पहले एक महीने से ये बात पहले नहीं कर, कोचिंग चल रही थी इतनी, आप देख रहे हैं हमारे पीछे बच्चों का आक्रोश, आप खुद देख रहे हैं 22,000 सेंटर्स में ऑनलाइन क्लास चलने वाली थी, लाखों बच्चे लाभान्वित होने वाले थे, लेकिन अब अचानक क्या हुआ दो दिन से जिस कारण आज सारे बच्चों को बाहर निकाल दिया गया, बच्चों को आप देख रहे हैं बाहर बैठना पड़ रहा है और यहाँ तक का बच्चों आरोप है कि पानी तक नहीं देने पीने दे रहे, इन बच्चों को खुद अरेंज करना पड़ रहा है पानी। सर सुबह क्लास स्टार्ट हो चुकी थी हमारी, क्लास स्टार्ट होने के बाद बच्चों को बाहर निकाला रूम से, गार्ड बेस के बाहर टॉयलेट तक नहीं जा पा रहे, वहाँ तक जाने के लिए बंद कर रखा है, ताला लगा रखा है, ताला लगा पानी भी नहीं बाहर, सब बच्चे बैग में बोतलें भर भर के दूसरी जगह से भर भर कर पिला रहे बच्चों, क्या व्यवहार किया गया छात्रों को, मतलब छात्राओं को हाथ पकड़ पकड़ के मतलब सिक्योरिटी गार्डों के द्वारा बाहर निकाला गया, गार्ड ने बंद करवाया गया स्कूल को, ये तो वीडियो हमारे पास है, कुछ बच्चे है दलित छात्रों की शिक्षा के बीच में दखल है, ये तो नहीं सर कोई सब कोचिंग कर सकते, पर ये जो आरएएस की भर्ती निकली है एक उस हिसाब से भी है कि जो बच्चे उधर जा रहे थे कोचिंग में फीस देके वो यहाँ सब आकर्षित हुए हैं, जो 22,000 सेंटर से वो मायने रखता अपने आप में, सर ऐसे भी बोल रहे हैं कि हमसे पैसे ले रहे हैं लेकिन
हाँ और ये कह रहे हैं कि पैसे लिए जा रहे हैं, हम ऐसे बोला जा रहा है कि पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन हमसे कोई भी पैसे सर ने कुछ नहीं लिया। हम एक विश्वास के तौर पर यहाँ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये सरकार को पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ जो डायरेक्टर है वो पहले अनुमति दे दी कि हम आप लोगों को आपको हॉल प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन अब मतलब अचानक ही उन्होंने मना कर दिया कि आपको नहीं देंगे। तो ये सारे बच्चे हम बहुत परेशान हैं, प्लीज सरकार की सहमति है, सरकार की कोई वो नहीं है, सरकार पूरी सहमत हो रहे हैं हमारे साथ में, सरकार पूरी हमारी संस्था को पूरी सुविधा प्रोवाइड करा देगी। एक तारीख को सीएम सर इसका उद्घाटन करके गए थे, तब वो पूरी व्यवस्था करके गए थे कि अब यहाँ पे निःशुल्क कोचिंग चलेगी, पूरे राजस्थान के अंदर घर घर तक इस कोचिंग का मैसेज जाएगा, ऑनलाइन कोचिंग यहाँ से प्रोवाइड कराई जाएगी, यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। लेकिन अब यहाँ आरयू के जितने भी प्रशासन है वो हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे वही स्टूडेंट कोचिंग में एडमिशन लेगा जो यहाँ पे पहले से बीएससी बीए फाइनल कर चुका है पीजी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का छात्र हो वही यहां से, और वो भी केवल पीजी का हो, इंडिया कोचिंग निशुल्क का लाभ ले सकेगा और कोई नहीं ले सकेगा। और बच्चे आ रहे गांव से, श्रीमान मुख्यमंत्री गहलोत सरकार ने ये योजना चलाई थी कि पूरे राजस्थान लेवल के सारे बच्चे गरीब अनाथ सभी आके यहाँ पे पढ़े। उस सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि न्यूज वाले में हमारे ऊपर कमेंट मार रहे हैं, वो गलत न्यूज बना रहे हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये गलत बात, दैनिक भास्कर ने आज हमारे ऊपर दबाव बनाया कि सर ने बच्चों से कोचिंग के लिए पैसे ले रहे हैं, बल्कि पैसे यहाँ तक फॉर्म भरने तक के पैसे नहीं ले रहे हैं सर, गूगल के द्वारा फॉर्म भरा जा रहा है, हमारा फॉर्म भी गूगल के द्वारा। सर ने पूरी व्यवस्था करी है, सर ने पूरी व्यवस्था, हमारे पास शपथ पत्र है उसमें साफ लिखा हुआ है कहीं पे कुछ एक रुपया ना लिया है ना आगे लिया जाएगा, उसमें सब कुछ हमने 23 को कुल सचिव के कक्ष में विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क कोचिंग योजना एक पहल संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवामित सिंह और एपीटीसी के निर्देशक राम सिंह चौहान जी के साथ निःशुल्क कोचिंग योजना के संबंध में विस्तृत परामर्श हुआ। यह राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, 9 अप्रैल 2023 को प्रारंभ किया गया था। बैठक में निर्णय किया गया कि एक पहल संस्था द्वारा विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग संचालन हेतु निम्नलिखित बिंदुओं की अनुपालना सुनिश्चित करें। पहला है तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ एमओयू साइन करें, अभी हुआ है। दूसरा है विश्वविद्यालय के एपीटीसी केंद्र में किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करें, हम कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। एपीटीसी केंद्र अपने परंपरागत तरीके से संचालित होता रहेगा, ये अपना फीस लेके चलाना चाहते हैं चलता रहेगा, ठीक है, उसमें हमें कोई व्यवधान भी नहीं है। विश्वविद्यालय के पास भवनों का अभाव है, करीब 27,000 नियमित विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। देव अमित सिंह द्वारा बताया गया लगभग 2,500 से 3,000 बाहरी छात्र आ रहे हैं, जबकि मैंने मना किया कि बाहरी नहीं है हमारे ये बच्चे, ये गणना करवा लें, आपने जो लिख दिया ठीक है। यह पाया गया कि उक्त बाहरी छात्रों के आने से विश्वविद्यालय में अराजकता का उग्रता का माहौल उत्पन्न हो जाता है। विश्वविद्यालय के छात्र एवं बाहरी छात्रों के मध्य टकराव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, अतः चूंकि यह ऑनलाइन कार्यक्रम आते एक पहल को निर्देशित किया जाता है कि इसे 100% ऑनलाइन बोर्ड पर लेकर के आएँ। इस बीच जब मैंने कहा कि भाई ये तो संभव नहीं है, तो मैम ने आश्वासन दिया कि अभी 4-5 दिन 7 दिन छुट्टी कर लो आप, तब तक हम और भवन देख रहे हैं, इन बच्चों को बिठाने की व्यवस्था करेंगे, ऑनलाइन मोड पर तो आप अभी चालू रख लें इसे, ये कहा गया है। मैंने कहा मैम ऑनलाइन तो पूरे प्रदेश में चलेंगी कक्षाएं और ऑफलाइन से जो रिजल्ट आने की संभावना है वो ज़्यादा रहेगी। इसी बीच मैंने कहा कि अगर भवन आप यहाँ से उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं कोई बात नहीं, मुझे दुख नहीं है, आपत्ति नहीं है, सीएम साहब ने इस योजना को शुरू किया था, एक बार मैं वो दरवाज़ा दोबारा खटखटाऊंगा ज़रूर कि आप हमें कहीं ना कहीं तो जगह दें। इस बात उन्होंने कहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि आप निश्चिंत रहें, फिर भी मैंने उनको बोल दिया है कि सीएम साहब से बिना बात किए मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, ये बोल के मैं आ गया हूँ बेटा बस, ठीक है, इससे नाराज़गी नहीं है, इनको जो निर्णय लेना है वो लेते रहें भाई, उसमें हमें खुशी है उन्होंने एमओयू साइन किया है, कम से कम ये रहेगा कि यहाँ जितने भी बच्चे आगे भविष्य में पढ़ने आएंगे उनको एक व्यवस्था तो मिलेगी फ्री में, वो एपीटीसी में पढ़ लेंगे पैसों से, इधर पढ़ लेंगे फ्री में, समझ में आएगी नहीं, हमें टकराव पैदा नहीं करना है, बात समझ में आ गई। सीएम साहब से मिलने का समय हम आज या शाम को या कल जैसे टेलीग्राम में डालेंगे, सब बच्चे मिल करके सीएम साहब से मिलने चल पड़ेंगे, समझ में आ गया, कोई दंगा नहीं करना है, व्यवस्था खराब नहीं करनी है, छुट्टी भी कितने दिन की रहेगी ये भी आपको बता दिया गया, लगभग 7 दिन कम रख रहे हैं, ऊपर नीचे होती है, कम होती है तो टेलीग्राम में मैसेज आ जाएगा, अव्यवस्था नहीं करनी है, समझ में आ रहा है कि नहीं, अभी हम सब जाएंगे, ठीक है ना, थैंक यू सर। 2 दिन से बच्चे बाहर धरने पर बैठे हैं एपीटीसी के, ऐसी क्या बात हुई कि बच्चों को बाहर ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया गया, ऐसा क्या हुआ? इनकी मेहनत रंग लाई है, पहले टीवी अखबार में चल रहा था कि एमओयू नहीं है इसलिए हम क्लास नहीं लगाएंगे, अभी एमओयू साइन हुआ है तो क्लास लगेंगी बच्चों की,
समझ में आ गया है तुरंत प्रभाव से। दूसरा ये है कि अभी ऑनलाइन मोड पर है, ऑनलाइन मोड पर ये कक्षाएं ऑनलाइन मोड पर है, ऑफलाइन मोड पर कक्षाएं लगेंगी। अभी लगभग 7 दिन की छुट्टियों का रखा गया है टाइम, ठीक है, ये रहा बस। नहीं, जो आप पे आरोप भी लगे हैं कि बच्चों से पैसे ले के नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो कोई राजनीति वाले लोगों ने लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं। तो अब 7 दिन के बाद क्या आपको उम्मीद है कि 7 दिन बाद क्लास मिल जाएगा, क्लास चलेंगी प्रॉपर, नो इशू। तो एपीटीसी में चलेंगे या कहीं और चलेंगे? और भी भवन देख रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में, प्रशासन देख रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए, देव अमित जी का कहना है कि अब 7 दिन की छुट्टी अवकाश रहेगा बच्चों का, 7 दिन के बाद क्लास लगेंगी। अब राजस्थान विश्वविद्यालय इनको एपीटीसी सेंटर देगा या कहीं और भवन प्रोवाइड कराएगा, ये 7 दिन बाद डिसाइड होगा। धन्यवाद।